बात करो। बात तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। 4200 गेट पे देना होगा, देना होगा, देना होगा। 4200 गेट पे देना होगा, देना होगा। 2000 से नियुक्त प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा विधि समाप्त करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। परीक्षा विधि समाप्त करनी होगी, करनी होगी। तकनीशियनों का नाम परिवर्तन करना होगा, करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वितीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रतिभा श्रीवास्तव मैडम संघर्ष करो, प्रतिभा श्रीवास्तव मैडम संघर्ष करो। अरे लड़ कर लेंगे हक हमारा, भूलो मत, भूलो मत। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे बोल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताली बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शासन के नाम पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शासन के नाम पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दादागिरी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पिल्लर साहिब पे हल्ला बोल, ग्रेट विवेकन चाहिए हल्ला बोल, ग्रेट विवेकन चाहिए हल्ला बोल। परीक्षा विधि समाप्त करना है हल्ला बोल, परीक्षा विधि समाप्त करना है हल्ला बोल। प्रयोगशाला तकनीक का नाम परिवर्तन करना है हल्ला बोल। समय मान्यता चाहिए हल्ला बोल, बोलो साथियों हल्ला बोल। धन्यवाद सर, बहुत ही जोशीले ऊर्जा का संचार हमारे मंचासीन आदरणीय श्री अजय तिवारी सर, संरक्षक तृतीय कर्मचारी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के सान बान सम्मानी विजय झा सर, दुबे सर, मुदलियार सर, मैडम और भी जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, मैं सबका छत्तीसगढ़ महाविद्यालय कर्मचारी संघ की ओर से सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। चूंकि समय अभाव है, हमारे पिछली मीटिंग जो हुई थी मैडम की बस्तर से, अभी किसी साथी ने कहा कि शुरुआत दंतेश्वरी माता से हुई, जागृत हुए हम अंबिकापुर में, समापन हो रहा है रायपुर में, और समापन कर रहे हैं सम्मानी अन्य संगठन के हमारे पदाधिकारी गण। हमारी मांगे पूरी करो, धन्यवाद साथियों। क्या मांगे आपने मैडम? 2013 से छत्तीसगढ़ के जो 70 कॉलेजों में प्रयोगशाला तकनीशियनों की नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति समय यह था कि 2 साल में आपकी परीक्षा भी समाप्त कर दी जाएगी। आज तक इनकी परीक्षा भी समाप्त नहीं की गई है, इन्हीं के साथ प्रयोगशाला परिचारकों की नियुक्ति हुई है, बाकायदा उनकी परीक्षा भी समाप्त कर दी गई है, उनको प्रमोशन होगी। तो पहला मांग तो यह है कि हमारी परीक्षा भी समाप्त नहीं हुई है, उसको समाप्त की जाए। दूसरा, समय मान वेतन दिया जाए। और तीसरा यह है कि मध्य प्रदेश शासन के समय प्रयोगशाला तकनीशियन को शिक्षक घोषित किया गया है। अब यहाँ के प्रचारक कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से सब आदेश निकलना चाहिए, भाई जब सारे नियम कानून मध्य प्रदेश शासन का चल रहा है तो ये भी चलना चाहिए। और हमारा मुख्य मांग तो ये है कि संचालनालय में जो कॉलेज के प्रोफेसर बैठे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों को बिठाया जाए, क्योंकि कॉलेज के वहाँ बैठने से हमारे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं को जो उनका विद्वता का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, प्लस उनके कारण हमारे चतुर्थ श्रेणी तृतीय कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। वो नियम को समझते नहीं हैं और अपने मन से नियम लगा के उठ जाते हैं। ये हमारी मुख्य मांग है। हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं है, छत्तीसगढ़ शासन से नहीं है, हमारा प्रशासन से है और डायरेक्टर में बैठे हमारे अधिकारियों से हमारी लड़ाई है। मैं सीएल दुबे प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं उच्च शिक्षा कर्मचारी संघ, मैडम अध्यक्ष। कितने लोग आप लोग प्रभावित हो रहे हैं और आगे क्या कब से मांग करते आ रहे हैं, और कोई सुनवाई कोई तरफ से कोई जवाब, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इसमें? तो पूरे प्रदेश भर से 1500 लोग हैं
और परिवीक्षा अवधि के 100 लोग हैं और हम पिछले 16 सालों से अनवरत आवेदन अनुमोदन से हमारी कोई सुनवाई नहीं और हमको आज सांकेतिक प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वो भी ये हमारे एक धैर्य का ही परिणाम है कि आज हम संडे को बिना किसी कार्य को बाधित किए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी मांग सुनी जाए। सविनयपूर्वक हम यहाँ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि शासन का ध्यान हमारी तरफ हो। तो मैं श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव प्रांताध्यक्ष उच्च शिक्षा कर्मचारी कर्मचारी की मांगे पूरी करना होगा करना होगा करना कर्मचारी की मांगे पूरी करना होगा करना होगा करना आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें पूरी करो हमारी मांगे जायज है मांगे पूरी करनी होगी करनी होगी। साथियों आज के एक दिवसीय धरना का नेतृत्व कर रहे मैडम प्रतिभा श्रीवास्तव जी और समय आपके पास मेरे पास दोनों पास कम है इसलिए सबका नाम नहीं लूंगा। मेरे जितने सम्मानीय मंच में बैठे हैं पदाधिकारी साथियों आज का ये धरना एक प्रतीकात्मक धरना हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ कि 1500-1600 लोग आप लोग होंगे लेकिन हर जिले से ब्लॉक से संभाग से एक एक प्रतिनिधि आए हैं। सबके आने पर शायद ये मंच पूरा भर जाता और प्रशासन भी उतने की अनुमति नहीं दे रही है। बड़े मुश्किल से मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि 15-20 दिन में पहली बार आपको यहाँ अनुमति मिला है। हम ये धरना स्थल का भी विरोध कर रहे थे साथियों क्योंकि धरना स्थल टूटा जाने पर कोई हमारा कर्मचारी नहीं जा सकता। कल मैंने देखा कि यहाँ बड़े बड़े होल्डिंग्स लग गए थे, समाचार पत्रों में दिया, नवभारत वालों को धन्यवाद दूंगा कि उसको छापा। साहब दूसरे दिन आकर के कल देखा पूरे होल्डिंग्स निकल गए। मेरा कहने का मतलब आपकी संघर्षशीलता आपकी जागरूकता और आपकी ताकत रहेगी तो आपकी जीत। जहाँ तक आपके मांगों की बात है आदरणीय उमेश कुटियार जी बोले थे प्रक्रियाधीन है, हमारे मनोज पिंगुआ जी का एक कमेटी बना हुआ है, उस कमेटी में जितने वेतन विसंगति हैं उन सबके बारे में चर्चा होगी। आपको बता दूं करीब 52-53 कैडर है प्रदेश की जो ग्रेड के 2400 से 2800 से 2300 आप लोग 4800 मांग रहे हैं। आप शिक्षक के बराबर सम्मान मांग रहे हैं, पदनाम मांग रहे हैं लेकिन जो बड़ा गंभीर मुद्दा मुझको लग रहा है वेतन विसंगति अपनी जगह है दूर होनी चाहिए। साहब भारत में ऐसा कोई उदाहरण बता दो कि 13 साल तक किसी चपरासी से लेके कलेक्टर तक का परीक्षाधीन समाप्त न हुआ भारत में। मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ। दूसरी बात ये NPS OPS का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका लाखों रुपया डूब गया है जो 2004 के बाद नौकरी लगे हैं उन सब का पैसा न केंद्र देगी न राज्य देगी और कौन कमीना बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। मेरे से बात कर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई है, भूपेश बघेल आपको झोलटू राम बना रहे हैं। आपसे जो 6 बिंदु में शपथ पत्र लिया गया उसको आप पढ़िए, कहीं भी आपको पुरानी पेंशन मिलेगी नहीं बोल रहे हैं। आपका जमा पैसा जो आपको मिलेगा ग्रेजुएटी का GPF का लिविंग कैशमैन का वो पैसा आप जमा करोगे, उसका जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज को ब्याज न कह के पेंशन कहा जा रहा है और केंद्र और राज्य एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चलिए जो मिलेगा नाम बदल लो, हम लोग पदनाम परिवर्तन की बात करते हैं। बड़ा खुश हो गए सहायक ग्रेड 3 बन गया करके निम्न श्रेणी लिपिक बोलते थे, आज सबसे ज्यादा कचरे में यदि कोई है तो हमारा बाबू साफी है। हमको नाम नहीं चाहिए, हमको सम्मान नहीं चाहिए, हमारे पापी पेट का सवाल है। वेतन विसंगति दूर होना चाहिए, हमारा ग्रेड पे बढ़ना चाहिए और दूसरी बात ग्रेड पे के लिए जैसा मैंने बताया मैं चाहूंगा कि आपकी जितनी संख्या है उसमें आप सोचोगे आंदोलन करा करके ग्रेड पे 48 से पा जाओगे तो मैं झूठ नहीं बोलता, मुझको संभावना कम लगती है क्योंकि जितने केडर हैं और जितना तमाशाबाजी आपका उसमें चल रहा है हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। कमेटी बन गया छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल का सरकार आने के बाद 2018 से जितनी कमेटियां बनी है मुझको बता दो किसी कमेटी का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ हो और कर्मचारी हित में प्रस्तुत हुआ हो और कमेटी के कारण किसी को लाभ मिला। चलो भाई
हम लोग कर्मचारी हैं, सरकार के ऊपर बोझ है। अरे तुम्हारे कांग्रेस के नेताओं को खुलेआम गोली मारने वाले जीरम घाटी कमेटी का भी रिपोर्ट नहीं आया, जो अपने आप का नहीं है, जो अपने बाप का नहीं है, समझ रहे ना मेरा इशारा? हमारे आपका इस जीवन में नहीं हो सकता। तो मैं आप सबको आज के धरना के लिए बधाई देता हूँ, प्रतिभा श्रीवास्तव मैडम को धन्यवाद देता हूँ कि मुझको बुलाए बोलने का मौका दिए। संडे में इसलिए हम लोग बुलाए सर, हम लोग कॉलेज में सर्विस करते हैं और आपको अच्छी तरह पता है कॉलेज से बच्चे पढ़ के निकलते नहीं आते हैं, तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य के हित में, देश के हित में हम लोगों ने तय किया रविवार को धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि अभी तक चर्चा नहीं मेन समस्या 2013 में हमारी प्रयोगशाला सर्वेक्षण नहीं मिलती थी, इसके साथ प्रयोगशाला परिचारकों की, तो प्रयोगशाला परिचारकों की परीक्षा भी समाप्त कर दी गई और बाकायदा उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है और उनका प्रमोशन हो रहा है। हमारे जो टेक्नीशियन है उसी साथ में रिटायरमेंट हुआ था, उनको परीक्षा भी समाप्त नहीं, उसके कारण उनको वार्षिक वेतन भी नहीं मिल रही है, उनका प्रमोशन भी हो रहा है और इसके बारे में वेतन मिशन है। हमारे उच्च शिक्षा विभाग लेके तकनीकी शिक्षा है, हॉस्पिटल है और दूसरे जगह टेक्नीशियन है, उनके जो वेतनमान है हमारे वेतनमान से ज़्यादा है। तो हमारा निवेदन ये है कि जब सबकी शिक्षा एक है तो हमारा वेतन कम क्यों है, वेतन संग्रह नहीं किया है और दूसरा तरफ कुछ कर्मचारी हमारे परसों से सर्विस कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति नहीं हो रही है, तो हम राज्य शासन से निवेदन करना चाहेंगे कि पदोन्नति करें। और आज का धरना आंदोलन सर उपेंद्र बघेल के खिलाफ नहीं है, आज का आंदोलन डायरेक्टरेट में जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी मतलब प्रोफेसर, इसको आप हाईलाइट करिएगा, जिस प्रोफेसर को कॉलेज में पढ़ा के बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, अपनी विद्वता का परिचय देना चाहिए, वो कॉलेज में बैठ डायरेक्टरेट बैठ के बाबूगिरी कर रहे हैं और वही हमारे कर्मचारियों की लंबित मांग के लिए जड़ बन गए। तो सबसे पहले उनको वहाँ से हटाया जाए, वहाँ पर प्रशासन स्तर के अधिकारी को दिखाया जाए, ये हमारी मांग है। हमारे गणेश मुंडियाल जी भी उनसे बात ध्यान आकर्षण करते तो बात बनती दिखाई नहीं देती। देखिए ऐसा है कि पूरे प्रदेश से प्रयोगशाला तकनीकी जो यहाँ पर आए हुए थे उनकी 3 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर इसलिए आंदोलन के लिए हम लोगों ने जो रविवार का दिन चुना, क्योंकि यहाँ पर धरना स्थल में परमिशन मिलना बहुत संभव नहीं था, काफ़ी कठिन था, कल काफ़ी मशक्कत के बाद कल यहाँ पर परमिशन दिया गया। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे छोटी छोटी सी मांगों को लेकर के आज प्रतिभा श्रीवास्तव मैडम के नेतृत्व में जो आंदोलन है, पूरे प्रदेश के तकनीशियन लोग हैं, उनको छोटी सी मांग है पद परिवर्तन में कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं, वेतन विसंगति इन लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं, 23 वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं, मांग पत्र दे रहे हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और ये उच्च स्तर पर बैठे अधिकारी लोग सिर्फ ना सरकार को दिग्भ्रमित करके रखे हुए, और इसके कारण आज हमारे को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ा, और यदि भविष्य में हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हमें मजदूर अनिश्चितकालीन आंदोलन करना पड़ेगा। उमेश मुदलियार, छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि और कर्मचारी संघ महामंडल। जी क्या कहेंगे मीडिया के माध्यम से? हम ये अपील करना चाहते हैं कि भाई देखो ये सांकेतिक आंदोलन और हमारे ये पर्यवेक्षा दिन 2013 से लेकर के आज तक पर्यवेक्षा दिन नहीं समाप्त है, इससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है और तकनीशियनों का, इन लोगों को से सिर्फ तकनीशियन का काम नहीं लिया जा रहा, इन लोगों का कॉलेज का हर काम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इनकी मांगों को पूरी नहीं की जा रही है। अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती है भाई, सब प्रकार के काम कर रहे हैं, इनका भी ग्रेड पे बढ़ाना चाहिए 4200 ग्रेड पे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो टेक्नीशियन है उनको 4200 रुपये ग्रेड पे दे रहे हैं, अन्य कॉलेज के टेक्नीशियन है उनको कम दे रहे हैं, तो एक क्यों समान काम समान वेतन, इस प्रकार से 4200 ग्रेड पे समस्त टेक्नीशियनों को मिलना चाहिए और जितना भी इनका पर्यवेक्षा दिन समाप्त होनी चाहिए, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक दिन यहाँ पे बैठक रखी जाएगी और एक रणनीति बना करके आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर धरना बैठे हैं, उनका यही कहना है कि परीक्षा और शिक्षा इसलिए भी उन्होंने आग्रह करता है कि कृपया आप ज्ञापन की प्रति ला करके शासन स्तर पे आए अधिकारी को विधिवत रूप से यहाँ पर सौंप करके प्रक्रिया पूरी करें। धन्यवाद।
मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो 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 मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देना होगा देना होगा देना होगा, किसानों की मांग पूरी करना होगा करना होगा करना होगा। बोल मजूरे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, गली पिटते हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, जोर जोर पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दमन के आगे नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे, दमन के आगे नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीवास्तव जी और संघ के संरक्षक सी एल दुबे जी, ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया यहाँ पर शासन द्वारा अधिकारी को सौंप कर पूरा किया जा रहा है। मैं सभी कर्मचारियों से गुजारिश करूँगा, आप कृपया शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया से सम्मिलित होकर सहभागिता निभाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2013 के आज तक ही जाते हैं वहाँ पर सारे प्रोफेसर लोग बैठते हैं, तो आप लोग जानते हैं प्रोफेसर सिर्फ पढ़ाते हैं अटेंडेंस करते हैं, हमारा एक वेपन है आपको जारी रहता है। मैडम प्रचार जो कहेगा वो जो चाहेगा वही होगा। मैंने कहा भाई प्रचार के अनुसार नहीं चलते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं। नियम क्या है, आदेश क्या है, आदेश 50-50% का है, आदेश नहीं मिला। मैंने काफी कोशिश किया और फिर आदेश लाए और फिर हमारी लड़ाई वहां से जो शुरू हुई, और हम दुर्ग जिले के जो मैं आज उनका नाम लेना चाहूँगी और उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी, डीएस प्रजापति सर जो दुर्ग जिले के जिला सचिव थे, मैं उनको यहाँ से इस मंच से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे खड़े करने का दायित्व तो पूरा उनका है। एक बार की घटना है, मैं बहुत नर्वस हो गई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं उनके पास गई और मैं रोने लगी। उस दिन तो प्रजापति सर कुछ नहीं बोले, उसके दो दिन बाद मैं गई तो बोले मैडम आप जो दो दिन पहले की थी ऐसा आप कभी नहीं करना, अगर आप ऐसे नहीं आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं ये नहीं है वो नहीं है। मैं बताऊं मेरे ही महाविद्यालय में 15 प्रयोगशाला टेक्नीशियन हैं लेकिन 14 टेक्नीशियनों का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि उनको लगता है प्रतिभा श्रीवास्तव संघर्ष करें हम तो फल खाएंगे। तो ऐसे मकार लोग भी हैं, कभी हमारा मनोबल नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि अगर सभी लोग ये सोचे कि ये आगे बढ़े तो बढ़ेगा कौन आगे भाई, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं जितने बड़े बड़े शहरों के कर्मचारी हैं, चाहे रायपुर हो चाहे दुर्ग हो, बहुत सेफ जोन में रहते हैं, वो कभी संघर्ष में साथ नहीं देंगे। आप उनका अनुकरण मत करिए, आप कोरिया से आइए, आप बस्तर से आइए, आप दंतेवाड़ा से आइए, आपके बल पे हम आज 10 सालों से नेतृत्व कर रहे हैं, आगे भी हम आपके नाम पे नेतृत्व करेंगे। और रायपुर में हमने धरना प्रदर्शन करके ये दिखाया है रायपुर के कर्मचारियों को कि आपके नहीं आने के बाद भी हमारा सफल आंदोलन हो सकता है। आप घर में बैठे रहिए, हम दूर से आएंगे संघर्ष करेंगे। जिसको अपना अस्तित्व बचाना है उसको संघर्ष करना होगा। डार्विन ने भी कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अस्तित्व के लिए लड़ेगा वही संघर्ष करेगा और जो संघर्ष करेगा उसी का अस्तित्व बचेगा। तो आज हमारा अस्तित्व खतरे में है,
प्रयोगशाला तकनीशियन का नाम खत्म हो रहा है, हम लैब से पूरे गायब होते जा रहे हैं, प्राचार्य हमको पूरे कार्यालय में लिप्त करते जा रहा है, हमारा कहीं कोई काम है ही नहीं, आने वाले समय में हम बाबू बन के रह जाएंगे, आज हमारा अस्तित्व खतरे में। हमारी लड़ाई वेतन के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई परीक्षा के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे मूल पद के लिए है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पहले आप अपना अस्तित्व बचाइए, हमारे तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। आप चाहे स्थानीय स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, संभाग स्तर पे हो, चाहे डायरेक्टरेट में बैठे हो, सेक्रेटरीट में बैठे हो, कहीं हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम कब तक गिड़गिड़ाते रहेंगे। और उसके बाद हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल मौका देखते रहते हैं कि भैया कुछ नहीं होता, संगठन से जुड़ने से क्या फायदा, क्या कर रहा है संगठन, अभी तक क्या हुआ है, ऐसे बोलने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि जब से हमारा उच्च शिक्षा विभाग का कर्मचारी संघ बना है, हमने ना केवल टेक्नीशियन की लड़ाई लड़ी है, बल्कि आप देखिए 2016 से प्रयोगशाला परिचारकों का हर 9 साल में पदोन्नति हो रहा है। उसकी शुरुआत प्रयोगशाला टेक्नीशियन उच्च शिक्षा कर्मचारी संघ बनने के बाद से ही शुरू हुआ है, नहीं तो 30 साल में प्रमोशन होता था। मेरे पास पर्सनल फोन आते हैं, किसी को, किसी महिला को मैटरनिटी का प्रॉब्लम, लीव का प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, और मैं उनके प्राचार्यों को फोन करती हूँ, तो मैं किस दम पे करती हूँ भाई, मैं प्रतिभा श्रीवास्तव के दम पे नहीं करती, मैं आप लोग के पीछे मैं फोन करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे नेतृत्व दिया है, मैं प्रांत की प्रांत